अब तो आदत पड़ गई है मुझे. शुरुआत में ऐसा होता था तो अभी आदत पड़ गई है. बट यस, एक दिल से सुकून है पता है. एक एक बेटे को आई थिंक सबसे बेस्ट फीलिंग यही होगी कि जब उसके घर में उसकी वाइफ उसकी फैमिली आपस में घुल मिल जाए और वो बीच में छोटा मोटा जो मन मुटाव होता है वो ना रहे. तो आई थिंक मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी सारी चीज़ें नहीं हैं कि सी छोटे मोटे ऊंच नीच घर छोटे मोटे क्या बोलेंगे उसे मनमुटाव भी नहीं बोलेंगे छोटी मोटी नोकझोंक हर हाँ हाँ वो हर घर में होती हैं लेकिन और वो होने भी चाहिए. नॉट ऑलवेज बी यू नो अ बेड ऑफ रोजेस. हाँ होने भी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ईगो में आ जाए लोग या उनका ईगो हट हो जाए अपना ईगो सेटिस्फाइड करने पे आ जाएंगे नहीं मैं बड़ी हूँ या मैं हूँ तो मैं ऐसा होगा. ऐसा कभी नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत अच्छी आई थिंक मैं बहुत आई थिंक इसलिए शायद मैं आपको ज़्यादा हैप्पी दिखता हूँ हमेशा के ओके सबसे बड़ी जो चीज़ है वो सॉर्टेड है. बाकी तो मैं बाकी तो मैं दुनिया जीत लूँगा. घर में इंसान हार जाता है तो वो मैं सॉर्टेड हूँ. आई थिंक जो अगेन द स्माइल एंड द एक इंसान के कॉन्डक्ट में पता चल जाता है. तो जो वो केयरफ्री में हम अभी जो हंसते खेलते दिखते हैं ना वो सब जाहिर कर देता है. बिकॉज एक्चुअली मैंने भी अपने आसपास चाहे मेरी फ्रेंड्स हो चाहे जो भी हो मैंने देखा है कि फैमिली में कितना बड़ा स्ट्रेस होता है. और उसका भी मैं एक जो इनिशियल पार्ट जो होती है ना जो बैलेंसिंग होती है क्योंकि वाइफ एक बहुत अलग बैकग्राउंड से आई है बहन एंड मम्मी बहुत अलग बैकग्राउंड से हैं तो उनके बीच में जो बैलेंसिंग थी ना इनिशियली जो ब्रिज बनाना था वो एकदम मजबूत बना दिया. तो वो सारी जो ड्यूटी है वो इन्होंने बहुत बखूबी निभाई है क्योंकि उस वक्त पे अच्छा इनको पता है कि इनकी आदत ये है इसको ये पसंद नहीं है तो उस चीज़ को ब्रिज कैसे करना है वो इनका काम था. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अगेन बार बार तोते की तरह रिपीट कर रही हूँ कि हर किसी को अपना रोल निभाना ज़रूरी है बाकी सब सही चलता है. कैसे निकल गए पता नहीं चला. सीरियसली यार 4 साल निकल गए और अच्छे ही थे. Yes. अच्छे ही थे जो आई थिंक ज़्यादा कुछ बदलाव है नहीं बस वही है कि अभी साथ रहना है साथ रहने लगे हैं और नाम जुड़ गया है आपस में और बाकी तो वही आज भी वही आप आई थिंक आप जो जानते हैं पुराने लोग हैं वही नोकझोंक वही मस्ती मजाक वही टांग खींचना चलता रहता है. आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी कि आज भी वी हैव मैनेज्ड टू कीप द सेम लाइफ अलाइव सो दैट्स द ब्यूटी. हाँ क्योंकि जैसे को तैसा ऊपर वाले ने दिया है. कहते हैं ना कि जैसे को तैसा मिल जाता है तो जो मेरा नेचर रहा है या जो उसका नेचर रहा है तो हम दोनों का वो ना नेचर मैच खा गया है कि हम लोग सिर्फ काम से इंडिविजुअली भी हम सिर्फ काम से काम मतलब रखते हैं. हमें ज़्यादा पार्टीज करना पसंद नहीं है ज़्यादा बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं है इंडिविजुअली. वाले सोचा होगा इनको और कोई नहीं मिलने वाला है इनको आपस में ही मिला देते हैं. इंडिविजुअल भी हम दोनों जब हम लोग एक रिलेशनशिप में नहीं थे तब भी हम काम करके घर जाना ही प्रेफर करते थे. तो इन सब चीज़ों में आई थिंक हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोग को ज़्यादा कुछ ना कोई नशा ये करती है ना मैं करता हूँ हम दोनों सेम हैं बिल्कुल घर वाले. तो आई थिंक इन सारी चीज़ों में हम दोनों बहुत ब्लेस्ड रहे हैं लकी रहे हैं कि हम जैसे मैंने बोला जैसे को तैसा मिल गया है. एंड इवन फ्रॉम वर्क पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ ही बने हैं चाहे वो एक दूसरे के बहुत यू नो क्रिटिक एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक होना हो शो देख के कि नहीं यहाँ ये बेटर होना चाहिए था वो बेटर होना चाहिए था. हम लोग ऑनेस्टली अगर कोई नया शो स्टार्ट करते हैं ना तो वो है कि शुरुआत में कुछ दिन एक दूसरे के साथ रिहर्स करते हैं कि ये करेक्ट है कि ये करूँ कि वो करूँ पहले कुछ एपिसोड एक दूसरे को दिखा के उसका. सो ऑल दैट इज़ रियली हेल्प ऑल्सो विव मतलब हम दोनों में एज अ कपल कभी ये नहीं रहा कि शो क्या शो कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता होगा या मैं क्या कर रही हूँ. वी हैव बीन देयर हमने हर चीज़ डिस्कस की है एंड एक कलेक्टिव डिसीजन लिया है कि ये सही होगा नहीं होगा. सो इट्स अ सपोर्ट तो उस वे में भी बहुत अच्छा रहा है हमारे लिए.
आई थिंक पूरा क्रेडिट मैं डेफिनेटली मैं इसको ही दूंगा और घर वालों को भी स्पेशली दूंगा, क्योंकि हम जिस फील्ड में है ना, यहाँ पे डिप्रेस होना बहुत आम बात है और बहुत, और ऐसा नहीं है कि पहले मैं कभी हुआ नहीं हूँ, मैं बहुत बार हुआ हूँ और आज भी हो जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और जब होता हूँ तो वहाँ पे ये आते हैं, यू नो फैमिली आती है, क्या हो गया, अगर दो घंटे भी मैं अगर ऐसे बैठ जाऊँगा तो ये आती है, क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा हूँ, ऐसे ही बैठा हूँ, कुछ सोच रहे हो क्या, अरे कुछ नहीं सोचा, ऐसे थक गया हूँ ना, जब वैसा होता है और कभी कभी यस, कभी कभी ऐसा होता है तो मैं खुल के बोलता भी हूँ कि अरे यादपी समझ नहीं आ रहा कि जैसा काम चाह रहा हूँ वैसा मिल क्यों नहीं रहा है। और कभी कभी, और जेन्युइनली मैं कोई झूठ नहीं बोलता ना ही मैं कोई छुपाता हूँ, कभी कभी आप सिर्फ काम करना चाहते हो, सिर्फ काम करना चाहते हो, आपको वो भी नहीं मिलता है, और ये ठीक है, ये एक्सेप्ट करना कोई बहुत गलत नहीं है। इंसान अपने सक्सेस, अपनी सक्सेस को बहुत मतलब चिल्ला चिल्ला के बताता है, लेकिन मैं फेलियर्स को नहीं बताता है। आई थिंक इंसान को अपने फेलियर्स को उतना ही चिल्ला के बताना सीखना चाहिए, शायद थोड़ा सा वो यू नो लाइट फील करे, उसको अच्छा फील हो। ठीक है यार, लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान सक्सेस ही पाएगा, हम भी कई बार फेल हुए हैं लाइफ में, ऑब्वियसली बात है, ये भी आप सब कहीं ना कहीं लाइफ में फेल होकर गुजरे होंगे, ग्राफ होता है, बट हाँ कुछ लोग बताते नहीं हैं। तो जैसे रही बात काम की, तो यस आज भी मैं देखता हूँ काम, यस कुछ काम मुझे पसंद नहीं आते हैं, लेकिन जो काम मुझे पसंद आते हैं वो उसमें मैं नहीं हो पाता, नहीं हो। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, वहाँ पे आपकी वाइफ, आपकी फैमिली एक रोल प्ले करती है, जहाँ पे आप डब डाउन होते हो और जब आपके मन में कभी कभी बुरे ख्याल या अजीब से ख्याल या बुरे, बहुत ज़्यादा बुरे नहीं, बस आते हैं, आप डिप्रेस होते हो, तो वहाँ पे आके आपकी फैमिली आपको यू नो उस चीज़ से निकालती है, आपको हंसी मजाक करती है कि चलो छोड़ो ना यार। वहाँ पे अम्मी मुझे इतना ज़्यादा अम्मी का बोलूँगा कि अम्मी हमेशा उस चीज़ से चलती हैं, बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि लाइफ में जो भी होता है उसकी मर्ज़ी से होता है, शायद नहीं चाह रहा वो अभी तुम ये वाला काम करो या तुम्हारा ये वाला काम होना चाहिए, शायद इससे बेहतर होगा। एंड देन यहाँ पे फिर ये समझाती है, अरे शुएब सोचो ना, देखो कभी कभी तो ऐसे बोलती है, शुएब सोचो आज तुम ऊपर वाले कर्म से आज तुम कुछ नहीं थे, जब शुरू से आए थे तुम ही बोलते हो कि मैं रिक्शा से ट्रैवल किया करता था, मैं बारिश में भीग के सिमर के सेट पे जाया करता था, रिक्शा रुका नहीं करता था, आज तुम डुकाती बाइक पे घूम रहे हो, आज तुम मर्क में घूम रहे हो, अरे काम नहीं है आज, नहीं कल हो जाएगा, यू नो ऐसी चीज़ें कि, और कहीं ना कहीं, और हर इंसान को होता है, मैं भी बहुत सबको बोलता हूँ कि नहीं लाइफ में खुश रहो ये वो, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कभी कभी लो फील होता है, इसको भी कभी कभी लो फील होता है, तो वहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम आप बनते हो और फैमिली आपका बनती है। आई थिंक यही एक लाइफ है और यही होना चाहिए। ऑनेस्टली ये तो मैंने बहुत अभी डेवलप किया है, तो मतलब पता चला है, तो इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। जैसे आपने कहा कि जब हम शूट करते हैं 12-12 घंटे, तो वो 12 का 15 भी हो जाता है, उस पॉइंट पे भी अगेन एज आई से अम्मी ने बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट प्ले किया है, क्योंकि माय मदर स्टेज इन पुणे, तो अम्मी यूज़ टू मेक इट अ पॉइंट कि रोज़ मेरे घर से डब्बा आता था, बिकॉज देर वॉज अ पॉइंट जहाँ मेरी बॉडी ने पूरा गिव अप कर दिया था व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर सिमर, क्योंकि 5-6 साल आप अगर एक शो करोगे तो आपकी बॉडी गिव अप करेगी, इट्स वेरी वेरी नेचुरल इन आर इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री मतलब बाहर से देखने में बहुत अच्छी है पर हार्डवर्क बहुत ज़्यादा जाता है। तो रोज़ बकायदा घर से टिफ़िन आएगा, शाम की चाय आएगी, क्योंकि सब पता है कि चाय कैसी पसंद है, एंड ऐसा नहीं है कि जो बना के भेज दिया वो भेज दिया, नहीं, भाभी को कैसी पसंद है वो पता है, वो अलग बनती है, शोएब को कैसी पसंद है वो पता है, वो अलग बनती है, अगर मेरा टिफ़िन आ रहा है तो उसमें मैं कैसी रोटी खाती हूँ, उस पर घी होना चाहिए नहीं, सो इट्स ऑल द दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एक इंसान का काम करना सक्सेसफुल होना वो आपको दिखता है, लेकिन उसके पीछे अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो वो मुमकिन नहीं है, एटलीस्ट मेरे साथ यही हुआ है कि मुमकिन नहीं है, आप कहीं ना कहीं टूट के ज़रूर गिरोगे, सो इट्स ऑलवेज विद द सपोर्ट ऑफ द फैमिली एंड हिम ऑल्सो ऑलवेज बीइंग देयर, क्योंकि एक होता है आप मेंटली स्ट्रेन हो जाते हो काम कर करके और आप थकते हो, तो जब रात में आप घर वापस जाते हो यू वांट समबडी टू शो यू एटलीस्ट कि हाँ हम वेट कर रहे थे कि तुम घर वापस आओगी, यू नो दैट केयर दैट वार्मथ इज दैट वो आपकी पूरी थकान जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सुया मैं
मैं उस सबसे बहुत आगे आ चुकी हूँ आई थिंक, इसलिए शायद लोग और ज्यादा चिढ़ते हैं कि यार किस मिट्टी की बनी, इसे फर्क ही नहीं पड़ता, चिढ़ता है। लाइक यू नो, मैं जब बिग बॉस में जा रही थी तो मेरा सिर्फ, मुझसे सबने पूछा था व्हाट इज योर फियर, मेरा सिर्फ एक फियर था कि मैं इनसे कनेक्टेड नहीं रह पाऊंगी या मैं इनसे बात नहीं कर पाऊंगी। ही इज माई बैकबोन, मतलब ही इज, आई सर्वाइव बिकॉज ऑफ हिम। तो मेरा सिर्फ वो फियर था, मेरा और कोई फियर नहीं था। मुझे बोला अरे कॉमनर्स हैं तुम्हारे, तुम्हें कुछ भी बोलेंगे, ये होगा वो होगा। मैं बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई कुछ भी बोले, हो सकता है मैं दो आंसू बहा लूं बट आई विल नॉट कैरी इट इन माय माइंड। मैं हूँ वैसी, आई एम दैट स्ट्रांग। लाइफ ऐसी रही है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं टूटती हूँ जब मेरी फैमिली को कुछ होता है। सो माई वे ऑफ लाइफ इज दैट। इसलिए मुझे मोटा होना है, मुझे पतला होना है, मेरे पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है, तुम कौन देखो कमेंट करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक मुश्किल वो फेज अपने आप में एक बहुत मुश्किल था, उससे बाहर जब चीजें ठीक हुई तो अपने आप आ गए थे। बट मैं वही बोलता हूँ ना कि हमेशा हम एक इंसान के नाते, इंसान है हम लोग, हम एक कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो कुछ चीज़ें होनी होती हैं वो होती हैं। शायद वो भी एक वक्त होता है जब ऊपर वाला आपका इम्तिहान ले रहा होता है, आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा होता है और आपको देख रहा होता है कि अच्छा अभी तक तो सारी में चीज़ें अच्छी अच्छी दे रहा था तो सब खुश थे, चलो अभी थोड़ी तकलीफ देता हूँ, अब देखते हैं उस टाइम आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो आई थिंक हम एक बेटे होने के नाते, एक हम लोग जो भी कर सकते थे हम कोशिश हमेशा करते हैं कि हम अपना बेस्ट जी जान लगा दें कि सामने वाला, चाहे वो पापा हो, चाहे वो नानी हो, चाहे वो अम्मी हो, जब तीनों एक साथ बीमार हुए थे तो वो ठीक हो। और बाकी यस, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं। वो भी हम लोगों से बोला करते थे, हम ऊपर अल्लाह से प्रे किया करते थे और जो लोगों से हमारा कनेक्शन बनाए हम उनसे बोला करते थे कि, क्योंकि आप कहते हैं ना कि पता नहीं कब किसकी दुआ लग जाए, और अगर किसी एक इंसान की भी दुआ कबूल हो गई उस एक इंसान के सदके से सब, मतलब सबका बेड़ा पार हो जाता है। तो यस, विच वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। शोएब तो 21 दिन के बाद घर गए थे, तो मैं बीच में एक दो बार जाके आई एंड एवरीबडी वॉज देयर। हमारे फ्रेंड्स, वो लोग भी रात रात भर घर नहीं जाते थे, यहीं रुकते थे। तो वो जो सपोर्ट था ना उस वक्त, दैट इज़ वॉट यू अर्न, वो आप कमाते हो अपनी ज़िंदगी में। फिर सोचा पता नहीं डालें वीडियो, अपडेट डालें नहीं डालें, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में। तो शोएब सिर्फ एक वीडियो अपडेट बना के डालते थे और उसमें जिस तरह से रिस्पॉन्स आता था कि नहीं, सो यू डो, इट्स जस्ट दैट मेंटल फीलिंग दैट आप अकेले नहीं हो, बस और कुछ नहीं, वो सिर्फ आपको स्ट्रेंथ देता है। सो इट्स ऑल ऑफ दैट लव एंड द सपोर्ट ऑफ फ्रेंड्स फैमिली, या दैट दैट। और जिस तरीके से लोगों के मैसेजेस आया करते थे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, और फोटो भेजा करते थे वो, चाहे वो किसी भी मज़हब के क्यों ना हो, वो मंदिर जाके पापा के लिए पूजा करके फोटो भेजा करते थे कि देखिए हमने आपके पापा के लिए पूजा की है, कोई दरगाह गया है, कोई गुरुद्वारे गया है, कोई घर पे ही पूरे पूजा रखवाइए, और लिटरली रखवाइए नो पापा की, मतलब फोटो रख के बिल्कुल कि इनकी तबीयत अच्छी है। तो आई थिंक ये चीज़ है जो हम लोगों ने अर्न किया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पे अच्छाई के साथ बुराई होती है, लेकिन आपको ये देखना है कि अच्छाई कितनी है और बुराई कितनी है। अच्छाई हमारे साथ बहुत सारी है, अच्छा प्यार, लोगों का रिस्पांस, लोगों का प्यार, अपनापन बहुत ज़्यादा है। और यस, थोड़े बहुत लोग हैं जो ऐसे ही हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं मैटर करते। प्रिसाइसली मेरा वही फंडा है कि आप मुझे कुछ भी बोल लो, आई एम दैट थिक स्किन, नहीं फ़र्क पड़ता। कभी अगर थोड़ा पड़ता भी है तो शोएब समझा देते हैं, देन वी जस्ट लाफ ओवर इट, इट्स ओके। बट फैमिली, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मैं किसी की फैमिली के लिए कभी कुछ गलत बोलूँगी नहीं, सोचूंगी भी नहीं। एटलीस्ट मॉम डैड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के पेरेंट्स के लिए कुछ गलत क्यों बोलोगे और किस लिए? आपको जजमेंटल होना है, आप उस इंसान के साथ हो जिसने आपके साथ बुरा किया है। एक तो मैं किसी अनजान के लिए भी जजमेंटल कभी नहीं होती, बट लोग होते हैं। सो एनीवेज, सो या व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली देन सॉरी बॉस, वहाँ नहीं छोड़ सकती मैं। आई थिंक हर रोज होती है अभी, और अब ऐसा नहीं कि बिग बॉस के टाइम या इवन उससे पहले भी, क्योंकि
जिस तरह की ये एज अ पर्सन लेडी है ना, आई थिंक मैं बहुत एडमायर करता हूँ. और मैं शुरू से ही मेरी ख्वाहिश थी कि जब भी मुझे कोई मेरी लाइफ में लड़की आए या मुझे लड़की मिले, स्पेशली घर की इब्राहिम फैमिली की बहू बने, तो वो यू नो ऐसी हो. तो आई थिंक मैं शुरू से और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हमेशा रहती है और लिटरली पूरा घर अकेले कंधे पे उठाए रहती है. मैं आज सच में बोलूँ, शायद इसीलिए लोग कभी कभी इतना हम लोग को ट्रोल भी कर देते हैं और मतलब कुछ करने नहीं देती, हम किसी को भी नहीं करने देती. मैं कभी कभी इसको खुद बोलता हूँ, दीपिका कोई बात नहीं, हो जाएगा. नहीं नहीं, अरे हो जाएगा, हाँ तो करते ना, हो जाएगा. ये इसका ऐसा मैं बोलता हूँ, दीपिका काम हो जाएगा, आज भी तो कल हो जाएगा. अरे नहीं नहीं, आज ही होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता शेवियो. इस तरीके से रहती है. आई थिंक हर दिन हर पल मुझे और ज़्यादा प्राउड होता है कि यस शी इज़ माई वाइफ और मैं इसका हस्बैंड हूँ. लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती. ये एक दुनिया का रूल है जो आई थिंक हमें हर सिचुएशन में हम रियलाइज करते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं चल बचती, गाड़ी एक पहिए पे नहीं चलती, ये सब फैक्ट है. तो हमारी फैमिली में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग मेरे लिए बहुत बोलते हैं, जैसे शोएब अम्मी और ये सब बहुत मेरे बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं, जो भी सुन के बहुत अच्छा लगता है. लेकिन द फैक्ट इज़ कि एवरीबडी इन आर फैमिली, एक्चुअली वी ऑल आर ब्लेस्ड टू हैव ईच अदर. क्योंकि एज अ हस्बैंड शोएब अपनी सारी ड्यूटीज़ बहुत बखूबी निभाते हैं, चाहे वो मुझे सपोर्ट करना हो, चाहे वो मेरे लिए बिग बॉस के बाहर रह के मुझे सपोर्ट करना हो, चाहे जब मैं शो पे जा रही हूँ तब घर पे कुछ चीज़ें देखना हो, क्योंकि मैं अगर 12 घंटे शूट कर रही हूँ तो कई सारी चीज़ों के लिए मेरे पास वक्त नहीं होता, उसको एडजस्ट करके एक्सेप्ट करना हो. अम्मी मेरे लिए, चाहे वो छोटी चीज़ मेरे लिए टिफ़िन भेजना हो या जो भी, यू नो दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स, पर ज़िंदगी इन्हीं पर चलती है. तो As a whole family, I think we all are very blessed to have each other, क्योंकि हम सब अपना रोल बहुत बखूबी निभाते हैं. और वो जो ऊपर बैठे हैं वो हम सबसे शायद बहुत खुश थे, इसलिए उन्हें हम सबको एक ही जगह डाल दिया कि लो खुश रहो. एक साथ डाल दिया.